हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले एसी सर्किट रेजिस्टेंस ओनली, यानी एसी सर्किट पढ़ेंगे हम और उसके अंदर केवल हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे। एक बात समझिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस ओनली काफ़ी इजी टॉपिक है। ये लगता है यार रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिंपल इसके फंक्शंस आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एसी सर्किट जिन स्टूडेंट्स को टफ लगती है उनको रेजिस्टेंस वाले सर्किट को अच्छे से समझना चाहिए और इसे मीनिंग कन्वे करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ चीज़ जैसे फेज का क्या मतलब इसे समझ लेना चाहिए, इसे समझ लेना चाहिए कि भाई अगर करंट कैसा साइनोसाइडल करंट आ रहा है तो उसमें आरएमएस का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस करंट का क्या मतलब है। इन सब सारी चीज़ों का मतलब कॉमन मैसेज को, कॉमन चीज़ों को पकड़ना चाहिए जो हम नेक्स्ट आगे के सर्किट में यूज कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये काफ़ी आसान सर्किट है, रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, लेकिन इससे आपको काफ़ी कॉमन चीज़ें जो आगे आप एसी में यूज करेंगे उनके लिए ज़रूरी है। जब आपकी सर्किट कठिन होगी, आर होगा, सी होगा, एल होगा, इनके कॉम्बिनेशंस होंगे पैरेलल और सीरीज, तो उसमें आपको यहाँ से टर्मिनोलॉजी उठानी है और वहाँ पे जब ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो इससे आपको क्लियर रहेगा अगर ये पढ़ लेंगे आप कि वो टर्मिनोलॉजीज आपको नई नहीं लगेंगी, वो पुरानी टर्मिनोलॉजी लगेंगी, उसी में आपको फिर अपनी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें कई तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी और चाहे आप क्लास 10th, 11th, 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हो या आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आपको हर तरीके के वीडियोस स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और कुछ कॉमन चीज़ें भी, इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज के बारे में इस चैनल पर हम बात करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी मिल सकती है जिसमें हम डीसी सर्किट थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हैं, अब एसी सर्किट्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक सिंपल क्या होगा, इस सर्किट में सिंपल रेजिस्टेंस होगा, इस तरीके से रेजिस्टेंस होगा और इसके साथ एक हम एसी सोर्स को लगा देंगे। तो ये उसका सिंबल है एसी सोर्स का, एक एसी सोर्स को लगा देंगे। लेट सपोज स्टूडेंट, इस एसी सोर्स का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसका इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस सर्किट में नो डाउट एक करंट फ्लो करेगा। मैं करंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में बना रहा हूँ स्टूडेंट, लेकिन आपको पता है कि अगर ये वोल्टेज अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करेगा तो नो डाउट जब ये इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा जिस हाफ़ के लिए, हाफ साइकिल के लिए, तब तो करंट ऐसे जाएगा। फिर हाफ टाइम पीरियड बाद क्या हो जाएगा, साइकिल इन्वर्स हो जाएगी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो करंट ऐसे जाएगा। यानी इस रेजिस्टेंस में करंट अपना डायरेक्शन बदलते रहेगा पीरियोडिकली डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ दिस वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें करंट कितना होगा, तो देखिए स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा है तो सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E बाई आर। और इसी को अगर आप नीचे सॉल्व करें तो हो जाएगा कितना, E की वैल्यू आ जाएगी I की वैल्यू हो जाएगी E0 बाई आर साइन ओमेगा टी। ये रहा रेजिस्टेंस का, एकदम सिंपल, ये रहा रेजिस्टेंस का फंक्शन इस केस में। यानी यहाँ भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके अंदर भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। यानी जब जब वोल्टेज इधर की तरफ होगा पॉजिटिव तब तब करंट ऐसे जाएगा, जैसे ही वोल्टेज ने अपना डायरेक्शन चेंज किया करंट भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आपको समझना है कि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I = I0। इस E0 बाई आर को मैं I0 लिख सकता हूँ, I0 sin ओमेगा टी। और I0 को हम क्या कहेंगे, I0 को क्या स्टेटमेंट क्या देंगे I0 को, कि I0 इज द पीक करंट, I0 जो है वो पीक करंट है, ठीक है, I0 पीक करंट है, ठीक है। और E0 आप जानते हैं स्टूडेंट, E0 क्या है, पीक वोल्टेज, E0 है पीक वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म है आपको याद रखना है, यानी मैं ये देखा कि अगर मुझे पीक वोल्टेज दे रखा है, अगर मुझे पीक वोल्टेज दे रखा है और यदि मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है, पीक वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मैं पीक करंट बता सकता हूँ कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमें रिलेशन मिला था I0 = E0 बाई आर। तो कभी भी अगर किसी एसी का, कभी भी अगर आपको किसी एसी का पीक करंट दे, पीक वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है रेजिस्टेंस सर्किट में, तो E0 बाई आर करके आप I0 निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो R की वैल्यू यहाँ से कितने है, तो R की वैल्यू आ गई स्टूडेंट E0 बाई I0। दोनों पीक वोल्टेज है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ERMS
ERMS बाई IRMS ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डेवलप करिए यहाँ से, आगे भी लिखेंगे बस R की जगह चीज़ बदल जाएगी, लेकिन इस तरीके से आगे भी लिखा जाएगा। कैसे किया ये, तो देखिए स्टूडेंट, E नॉट यहाँ है तो E नॉट बाई रूट टू क्या होता है ERMS, E नॉट बाई रूट टू क्या होता है ERMS, तो और I नॉट बाई रूट टू क्या होता है IRMS, तो दोनों मैंने रूट टू से यहाँ डिवाइड कर दिया ऊपर भी, और रूट टू से डिवाइड कर दिया नीचे भी, तो रूट टू से दोनों से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तो इस फ्रैक्शन में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो E नॉट बाई रूट टू को ERMS कह दिया और I नॉट बाई रूट टू को IRMS कर दिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको AC में, जैसे मैं कहूँ कि द AC वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर इज 200 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 50 ओम, जैसे मैं कहूँ आपसे कि AC वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर इज 200 वोल्ट, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट, ऐसे मैं कहूँ। तो देखिए अब AC में तो तीन वोल्टेज होते हैं, तीन तरीके के वोल्टेज होते हैं, कौन कौन से, तो इंस्टेंटेनियस जो ये है E, जिसके साथ ये साइन का फंक्शन है, दूसरा होता है पीक जो ये है यहाँ पे लिखा हुआ है E0, ये पीक है, और एक और भी होता है वो होता है ERMS। अब ये नहीं पता चला कि ये कौन सा है, तो एक बात तो पक्का है क्योंकि इसके साथ साइन ओमेगा टी नहीं लगा हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस वाला तो क्रॉस हो गया, ये नहीं है। अब क्या बचा, अब मेरे पास बचा पीक और RMS। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब कभी भी मैं अकेले ऐसे वोल्टेज लिख रहा हूँ और आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल कह रहा हूँ कि 200 वोल्ट AC है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि AC है भाई तो वो अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज करेगा, तो 200 वोल्ट आप ऐसे करें जैसे कि वो DC हो, 200 वोल्ट आप उसको ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो DC हो, तो याद रखिए स्टूडेंट, इसीलिए 200 वोल्ट है क्या, ये DC नहीं है, लेकिन DC इक्विवेलेंट ऑफ AC है, ये क्या है 200 वोल्ट, DC इक्विवेलेंट ऑफ AC है। तो अब DC इक्विवेलेंट ऑफ AC किसको कहते हैं, RMS को कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो AC इज इक्वल टू 200 वोल्ट दे रखा है, ये क्या दे रखा है स्टूडेंट आपको, RMS वोल्टेज दे रखा है, और आपसे बोला कि करंट बताइए हमको AC का, तो इसने ये भी नहीं बोला कौन सा करंट बताइए, इंस्टेंटेनियस बताइए कि पीक बताइए, तो जब कुछ भी ना बोले कि कौन सा वोल्टेज दिया है और कुछ भी ना बोले कि कौन सा करंट पूछा है, तो आपको कौन सा करंट निकालना है, तब आपको RMS करंट निकालना है। और अगर कुछ भी नहीं बोला, अगर इसको पीक देना होता बोलता कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि सर ये पीक वोल्टेज, तो साफ साफ क्वेश्चन में कहेगा द पीक वोल्टेज ऑफ AC इज 200 वोल्ट, तब आप उसको E0 लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला, बोला कि AC वोल्टेज इज 200 वोल्ट, तो आपको उसको RMS लेना है। अब देखिए यहाँ पे करंट पूछा है मेरे से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, R इक्वल टू ERMS बाई IRMS, तो कितना हो जाएगा करंट की वैल्यू यानी IRMS की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 50, यानी सिंपल कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर आया गया, 4 एम्पियर स्टूडेंट आपका RMS करंट, ना कि पीक करंट। पीक करंट निकाल सकते हैं, अगर आपको RMS वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, तो आप पीक करंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि अगर मुझे RMS वैल्यू दी है तो पीक करंट क्या होगा, तो I0 बाई रूट टू क्या होता है IRMS, ये IRMS के बराबर होता है। अगर IRMS आ गया है तो I0 बराबर कितना होगा, रूट टू इंटू IRMS, तो सिंपल कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट 2 एम्पियर, ये पीक करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक बात आपसे कही जाती है भाई कि फेज, जैसे अभी आप कहेंगे, आप बुक पढ़ेंगे तो बोलेगा द करेंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। इन दोनों का यानी एक E0 equal to E0 साइन ओमेगा टी का और I0 का ग्राफ बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए चलिए ऐसे देखते हैं, इधर ओमेगा टी ले लिया और दोनों का ग्राफ बना रहे हैं बारी बारी से, ठीक है, तो बारी बारी से ग्राफ बना रहे हैं दोनों का, ठीक है। तो पहले साइन का ग्राफ बना लेते हैं, यानी E0 इसका ग्राफ बनाते हैं, E = E0 साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ ग्राफ होगा E = E0 साइन ओमेगा टी का। अब देखिए स्टूडेंट ये ग्राफ है E = E0 sin ωt, ठीक है, ये ग्राफ है E = E0 sin ωt, इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी पीक वैल्यू होगी E0 इधर
और इधर माइनस ई नॉट, क्योंकि साइन साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वन, और मिनिमम कितनी, माइनस वन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम बात करें करेंट के ग्राफ की, तो करेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक बात बताइए, देखिए यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी, यानी जब जब यहाँ साइन मैक्सिमम होगा, यानी जब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तब तब करेंट भी मैक्सिमम होगा। सेम फेज का मतलब यही है कि जब जब वोल्टेज पीक पे जाएगा, तब तब करंट भी पीक पे जाएगा। जब जब वोल्टेज जीरो होगा, तब तब करंट भी जीरो होगा। यानी वोल्टेज और करंट, इसी को बोलते हैं सेम फेज में, इसी को बोलते हैं सेम फेज में। तो देखिए कैसे, जब यहाँ पे करंट का कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये 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 वाला ग्राफ में बात करूँ तो ये किसका है, ये है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का। अब देखिए जहाँ जहाँ ये पीक पे है, जहाँ जहाँ ये पीक पे है, वहाँ वहाँ करंट भी पीक पे है ना। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आई ई नॉट बाई आर होगा, दैट इज आई नॉट, प्लस में और माइनस में भी कितना होगा, माइनस में ये वाली वैल्यू होगी कितनी, माइनस ई नॉट बाई आर, दैट इज माइनस आई नॉट, ये होगी, ठीक है। तो इसमें ये देख लीजिए, सेम फेज का मतलब होता है कि दोनों एक साथ पीक पे जाएंगे और दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ये सेम फेज में है। यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं और एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। इसी का अगर फेजर ड्रॉ किया जाए, फेजर ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन बना लीजिए ओमेगा टी की, एक लाइन ये ओमेगा टी वाली लाइन है। फेजर क्या होता है, किसी भी साइनोसाइडल फंक्शन को एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो अगर मैं ये ओमेगा टी वाली लाइन बना ले रहा हूँ और मैं इस पर ई नॉट लिख रहा हूँ, ई नॉट वाला वेक्टर लिख रहा हूँ ऐसे, कि ई नॉट वाला वेक्टर ऐसे है, इधर की तरफ है, तो क्योंकि ई नॉट वाला वेक्टर क्या, फेज कितना है ओमेगा टी, तो फेज ओमेगा टी के ऊपर ही बना। अगर ई नॉट वाले वेक्टर का प्लस पाई बाई फिर होता है तो ये ऊपर हो जाता। तो जानते हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ ओमेगा टी फेज है तो उसी के ऊपर ई नॉट वेक्टर बनेगा। आई नॉट भी देखिए, तो इसका भी फेज क्या है ओमेगा टी, तो ये आई नॉट का वेक्टर भी इसी ई नॉट के ऊपर ही बनेगा, ये आई नॉट का वेक्टर भी इसी ई नॉट के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। जितने लोग को फेजर में कन्फ्यूजन है, ऐसे पहले वाला वीडियो आप देखिए, आपको फेजर में कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये आई नॉट और ई नॉट दोनों इस तरह समझ सकते हैं, इसको फेजर रिप्रेजेंटेशन भी इसका करेंगे। अब ये दोनों वेक्टर घूमेंगे, जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ती जाएगा ना, तो ये दोनों वेक्टर घूमेंगे, तो ये रोटेटिंग फेजर हैं और दोनों एक साथ घूमेंगे, ठीक है। यानी घड़ी की दो सुइयाँ हैं, दोनों एक साथ आगे जा रही है ना। तो आप लास्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको फेजर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा सेम फेज का क्या मतलब है और उसी का फेजर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अगर फेज अलग अलग होता तो ये I नॉट करंट से ऊपर या नीचे होता, लेकिन अगर फेज सेम है तो I नॉट और E नॉट एक पे होंगे, एक ही के ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो यहां से काफी टर्मिनोलॉजीज आप, जैसे IRMS, ERMS, सेम फेज का मीनिंग क्या है, ये सब चीजें आप यहां से पिक करिए और डायग्राम वगैरह पिक करिए, ड्रॉ करने का क्या मतलब है, फिर इसी को हम नेक्स्ट क्लास में, यहां से जो आपकी लर्निंग है उसको नेक्स्ट क्लास में यूटिलाइज करें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ज़रूर हमें लाइक करें। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो ज़रूर लाइक करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।